दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एमसिल की मदद से भगवान विष्णु की प्रतिमा को निर्मित करने का प्रयास किया है, साथ ही पूरे मेकिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन भी किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, दिस इज मनोज और आप देख रहे हैं माहिर आर्ट्स यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम बेस बना लेंगे, जिसके लिए हम एक ढक्कन के अंदर एमसिल को प्रेस करते हुए भर देंगे और ऊपर वाले हिस्से को भी एक फ्लैट सरफेस की मदद से प्रेस कर देंगे, ताकि ऊपरी हिस्सा भी फिनिश हो जाए। अब इसे हार्ड होने के बाद ढक्कन से बाहर निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा सरफेस को कट करके निकाल देंगे। उसके बाद जितना बड़ा स्कल्पचर बनाना है उसी हाइट की एक क्वाइल बना लेंगे। क्वाइल को स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने इसके मध्य में एक मोटे वायर का उपयोग किया है। हार्ड होने के बाद अब हम बेस में किए गए होल की मदद से इसे कुछ इस प्रकार से जोड़ देंगे। इसके निचले हिस्से को एमसिल की मदद से अच्छे से चिपका देंगे। उसके बाद बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर यदि मेजर करके स्कल्पचर को बनाएंगे तो यह ज्यादा आसान रहेगा। मेजरमेंट के लिए आप रामा आइडल मेकिंग वीडियो को देख सकते हैं। यह स्कल्पचर भी उसी साइज का बनाया गया है। अब हम टॉर्सो वाले हिस्से को बना लेंगे, क्योंकि शरीर का यह हिस्सा हमें दिखाई देगा तो इसकी डिटेलिंग भी कर लेंगे। अब हाथ बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से वायर लगा देंगे। इसे हार्ड होने के बाद वायर के ऊपर कुछ इस प्रकार से दो पार्ट में एमसिल लगाएंगे। क्योंकि कोहनी लगभग कमर के बराबर में ही आती है, तो इसे हम कमर के सामने तक ही रखेंगे। अब हम हाथ की मुद्रा को ध्यान में रखते हुए इसे मोड़ लेंगे और इसकी मॉडलिंग कर लेंगे। बाकी के दोनों हाथ भी इसी प्रकार से बना लेंगे। एक्स्ट्रा वायर को प्लायर की मदद से कट कर लेंगे और बचे हुए वायर को हथेली की दिशा में मोड़ देंगे। अब धोती की भी मॉडलिंग कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले की तरह पतली क्वाइल्स की मदद से कपड़े का फोल्ड बनाने का प्रयास किया है। मॉडलिंग करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही एमसिल के दोनों पार्ट को मिक्स करके उपयोग में लें। यदि आप ज्यादा मात्रा में एमसिल मिक्स कर लेते हैं तो यह जल्दी से हार्ड होने की वजह से वेस्ट भी हो सकती है। यदि आपको लगता है कि किसी पार्ट में आपको मॉडलिंग करने में ज्यादा समय लगेगा, तो आप एक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने फेस की मॉडलिंग करने में उपयोग किया है। दोस्तों, एमसिल में दो अलग अलग पैकेट होते हैं। इसमें एक में रेजिन होता है और दूसरा हार्डनर बेस होता है, जो कि आपको पैकेट के ऊपर यहाँ एमसिल के नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा। तो इसमें हम रेजिन बेस की मात्रा ज्यादा ले लेंगे और हार्डनर बेस, जो कि इसे हार्ड करने का काम करता है, इसकी मात्रा को कम कर लेंगे। यहाँ पर यदि परसेंटेज की बात करें तो रेजिन को 75% और हार्डनर को 25% लेकर के मिक्स कर लेंगे।
ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में परसेंटेज का बहुत ज्यादा अंतर मत रखिएगा, वरना हो सकता है कि यह कभी हार्ड ही ना हो। या फिर ठंड के मौसम में उपयोग करते समय दोनों के परसेंटेज को 50-50 ही रखें। दोस्तों, कम टेम्परेचर पर यह हार्ड होने में काफी समय लेता है, तो आपको डिटेलिंग के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। फेस की मॉडलिंग पूरी होने के बाद हाथ की उंगलियां बना लेंगे। यहाँ पर भी मैंने छोटी छोटी क्वाइल्स की मदद से ही इसे बनाया है। दोस्तों, क्वाइल की मदद से उंगलियां काफी आसानी से और डिटेलिंग के साथ बन जाती हैं। लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो स्लैब बना करके उस पर लाइनिंग करके भी उंगलियों का शेप दे सकते हैं। स्फीयर की मदद से कुछ इस प्रकार से मुकुट के ऊपरी हिस्से को बना लेंगे। दोस्तों, यदि एमसील हाथ में चिपक रही है तो आप किसी भी ऑयल को थोड़ा सा हाथ पर लगा सकते हैं। इससे आपको मॉडलिंग करने में आसानी होगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। लेकिन ध्यान रखिए कि आप बहुत ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल ना करें, इससे एमसील के बीच में लेयर क्रिएट होती जाएगी और यह एमसील को कमजोर भी कर सकता है। स्लैब की मदद से सॉल बना लेंगे। मुकुट का यह हिस्सा हार्ड होने के बाद अब इसके ऊपर डिटेलिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से बाकी की ज्वेलरीज भी बना लेंगे। मुकुट के पीछे का आभा मंडल बनाने के लिए हमने एमसील को एक ढक्कन की मदद से कुछ इस प्रकार से राउंड शेप दे दिया है। अब इसे हार्ड होने के बाद इसके ऊपर एक पतली लेयर लगा करके इसकी डिजाइन बना लेंगे। फूलों की माला बनाने के लिए एक क्वाइल का उपयोग करेंगे, जिसे थोड़ा सा शरीर से टच करके रखेंगे और इसे हार्ड होने के बाद अलग कर लेंगे। इसके ऊपर एमसील की एक लेयर लगा करके टूल्स की मदद से टेक्सचर दे देंगे। इसको हम फाइनल कलर होने के बाद जोड़ देंगे। इसी प्रकार से हमने गदा, शंख, चक्र और कमल का फूल भी बना लिया है। दोस्तों, यदि आप देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र का भी मेकिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर मैंने चक्र को बनाने के लिए एक डीवीडी का इस्तेमाल किया है, इसीलिए यह थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हमारी प्रतिमा तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसे कपड़े की मदद से इसके ऊपर लगे हुए ऑयल को अच्छे से साफ कर लेंगे और उसके बाद इसे कलर कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे व्हाइट कलर कर देंगे ताकि इसके ऊपर उपयोग किए गए कलर आसानी से दिखाई दें। यदि हम ब्लैक कलर के ऊपर किसी भी रंग का उपयोग करेंगे तो वह हमें दिखाई ही नहीं देगा और कलर भी ज्यादा लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्कल्पचर को कलर करने के लिए एक्रेलिक कलर का उपयोग किया है। कलर कंप्लीट होने के बाद माला तथा शस्त्र इत्यादि भी जोड़ देंगे।
इस प्रकार से विष्णु भगवान की प्रतिमा तैयार हो चुकी है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।